नोएडा के तमाम वो सारे लोग जो आज एक बार फिर से शो में मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कनॉट प्लेस में नहीं मौजूद हूं मैं जितना मुझे लगता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं कहीं बाहर हूं और नोएडा में शो कर रहा हूं या कहीं और शो कर रहा हूं, मेरे लिए तो एक ही जैसा होता। लेकिन हां, तमाम सारे लोग फोन करते हैं मुझे कि आप कनॉट प्लेस कब लौटेंगे। मुझे नहीं मालूम मैं कब लौटूंगा, कनॉट प्लेस में लौटूंगा या फिर मैं टूर पे निकल जाऊंगा, ये भी मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि मैं इसके बाद कहीं इलेक्शन के टूर पे निकलूं। लेकिन हां, ये सिलसिला आपसे जुड़ा हुआ है, 9 साल 10 साल हो चुके जो लगातार इस सिलसिले से आप हमारे जुड़े हुए हैं और हम आपसे बातचीत के सिलसिले में जुड़े हैं। ये बात अच्छी है कि कहीं और, कहीं दूसरी जगह, कहीं नई जगह रोज शो में आपसे बातचीत करें। नोएडा के तमाम सारे लोग जो आज यहां पर मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो बातचीत के लिए यहां पर इकट्ठे हैं। मैं बातचीत करूंगा ना, और सबसे खास बात मुझे अच्छी लगती है नोएडा में कि नौजवान मुझे यहां बहुत मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कनॉट प्लेस में सारे बूढ़े आते हैं और मुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे उनसे भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ नौजवान लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आते हैं। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं तो छपरा से हूं लेकिन नोएडा में ही प्रैक्टिस करता हूं। मैंने बहुत अच्छी बात है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, पहले तो सब्जेक्ट मुझे नहीं पता, सॉरी। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट की जरूरत भी क्या है, हिंदुस्तान में आदमी को बताने की जरूरत नहीं। आप क्रिकेट में बोलने लगी है? मुझे कृषि कानून के बारे में बोलना है। कृषि कानून के बारे में बोलना है, जरूर बोलिए। तीसरे दौर की बातचीत चल रही है और सफलता की कामना करते हैं कि वो बातचीत सफल हो। दो बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए, सबसे पहले मैं उसको बात कर देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैंने कल जिक्र किया था सोनिया गांधी जी का, उन्होंने ये कहा कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसलिए यह बात कहना जरूरी है जो उन्होंने आज कही। उन्होंने कहा कि रायबरेली से मेरा नाता बहुत पुराना है, दिल्ली से मेरा घर है लेकिन वो रायबरेली से पूरा होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे ससुर ने सबसे पहला चुनाव वहां से लड़ा, फिरोज गांधी साहब ने, उसके बाद मेरी सास ने वहां से चुनाव लड़ा और एक रिश्ता बना और ये रिश्ता कायम रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का कारण है लिहाजा मैंने ये चुनाव तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये बात उन्होंने कही और इसका जिक्र करना बेहद जरूरी था। दूसरी बात मैंने बताई आपसे, किसानों की वार्ता चल रही है और चंडीगढ़ में तीसरे दौर की, और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी कहना जरूरी है, जिक्र तो बहुत जरूरी है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जो सरकार ने कहा, जो कि कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि सरकार ने 6 साल पहले जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो यह कहा था कि जो पारदर्शिता है चुनाव में, वो पारदर्शिता की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, लिहाजा ब्लैक मनी का जो उपयोग हो रहा था या जो कैश मनी पैसा चुनाव में लगता था उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जरूरत थी, लिहाजा वो लाए थे। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो होते 1,000 रुपया से 1 करोड़ रुपया तक होता है, 1 करोड़ रुपया समझ गए ना, 100 लाख तक का वो पैसा का होता है जिसको कोई भी खरीद सकता है,
कोई भी खरीद सकता है और खरीद के किसी भी पार्टी को दे सकता है, लेकिन एक पार्टी उसी को मिलेगा जिसका 1% उसको वोट मिला हो चुनाव में लेटेस्ट वाले से। ऐसा नहीं कि तुम कल पार्टी बना के आओ कि मैं पार्टी बना ली हमने। तो वो जो लोग मौजूद हैं आज हमारे साथ, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने 2-4-5 जो बातें आज प्रमुख थी वो रख दी, बाकी आपकी बात जो है वो जरूर करेंगे। आप दोनों लोग से भी बात करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से। तो आज इधर कैसे आए? आते रहते हैं? हाँ, कभी कभी। अच्छा, मार्केट बहुत अच्छा है, हैपनिंग वाला है ये। हाँ, है तो है। तो आज कुछ लिया या सिर्फ शॉपिंग ऐसे ही देखना, विंडो शॉपिंग? नहीं, शॉपिंग किया है आज। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं बात आज इसी भी करेंगे कि शॉपिंग में आपने क्या किया। जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा दूं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया टीना। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी, थैंक यू सो मच। पंकज गुप्ता जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, कल बहुत अच्छा बोले, आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शो कर रहे हैं, इन्हीं के यहां कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी कुछ देर में मौजूद रहेंगी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। शर्मिष्ठा जी फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, अच्छा बोलती हैं, डिबेट में शरीक हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमांदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी कार्यों से निवृत्त होकर एक बार फिर से आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक प्रवक्ता हैं और प्रभात जी पत्रकार हैं और बातचीत के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी डिबेट में कोई लेख नहीं आता वैसे, आगे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेख जरूरत पड़ती नहीं अभी तक तो ईश्वर ने ऐसा किया नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, बेसिक जो मांगे हैं किसान के MSP के, हाँ मैं सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं। हाँ जी बताइए। जब कृषि कानून आया था, हाँ, तो लोग सरकार ने वापस ले लिया जी सर जी, तो उसमें कहा बिचौलिए की मतलब भूमिका खत्म करनी थी, खत्म करनी जरूरत थी, तो वो इनको पसंद नहीं आया। हाँ, दूसरी बात की अगर आज के रेट बिचौलिए रहेंगे तो रेट भागेगा। हाँ, अब MSP आप 5000 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तब महंगाई के लिए मत बोलना कि महंगाई बढ़ गई है, फिर भी यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब प्रॉब्लम है एक ही प्रॉब्लम, सबको पता है कि वो वही किसान बेचेगा वही किसान खरीदेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो इस पर भी आप एक बात और कहिए, आप बिल्कुल कहिए, मतलब इनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर, देश का कोई मतलब नहीं। किसको? कांग्रेस को या विपक्ष पार्टी? विपक्षी है, इनको सिर्फ विरोध करना है। आप विरोध कीजिए कंस्ट्रक्टिव। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं कंपनी सेक्रेटरी और IRP हूँ। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो बहुत गंभीरता वाले जॉब में है ये। इन्होंने कहा कि सिर्फ विरोध करने के लिए आप सिर्फ विरोध करते हैं और आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं, क्योंकि आप बस देखते हैं कि सरकार की टांग कब खींचनी है, कहाँ खींचनी है और खींच लेते हैं आप। जी बोलिए। देखिए, पिछली बार जब किसानों ने धरना दिया था तो 700 से ज्यादा किसान वहां पर खुले आसमान के नीचे रहते रहते उनका मतलब वहां शहादत हो गई और सरकार नीचे, इसके बाद सरकार ने वो तीनों कानून वापस लिए और जो वादा हुआ था कमेटी बनाने का वादा हुआ था, तो चुनाव में जा रहे हैं तो वो काम खत्म ही हो गया। MSP का मतलब अब तो मोदी सरकार का पाखंड हो गया, उसका मतलब मोदी सरकार का पाखंड, हाँ वही हो गया, क्योंकि किसानों के लिए ऐसा कहीं होता है क्या किसी देश में? आपने देखा है कि किसानों के लिए खाई खोद दी जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए और किसानों के लिए किले लगा दी जाए? अरे क्या कोई आतंकवादी हमला थोड़ी हो रहा है? किसान ही तो है और अपने देश के किसान है, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है हमारे देश का। अगर आप उससे इतनी नफरत और ईर्ष्या होगी तो फिर देश का, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसान को बिल्कुल आमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए, बैठालना चाहिए और कहा कि खाट वाट अगर ले आओ अपने घर से, तो खाट जानते हैं जी? हाँ हाँ हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले सब जानते हैं, तो लेके आइए और बैठिए, आके जहां मानो वहां बैठिए और आदर के साथ बैठालना चाहिए उन्हें और बहुत उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे मानेंगे और आपकी बातें कैसे मानेंगे। जी बोलिए साहब। अमित जी क्या बोलेंगे, किस विषय पर बोलेंगे ये तो बता दीजिए। इनको एक बार ही जवाब देना बहुत जरूरी है, इनको जवाब देना नहीं, किसानों को देना जरूरी है। किसानों को दीजिए जवाब। किसान तो भैया बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन हर बार पंजाब के चुनाव में पंजाब के ही किसान को आंदोलित होते हैं। और पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था तो आंदोलन हो रहा था, लोकसभा का चुनाव है तो आंदोलन हो रहा, और आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ हरियाणा का जब चुनाव होगा तब भी किसान आंदोलन ही होगा, क्योंकि किसानों के सजाए हुए मेज पर किसी एक नेता को लॉन्च कराया जाता है और वो नेता जो पिछली बार किसान आंदोलन में थे, इस बार राहुल जी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गए? गालियां?
तालियां। अच्छा, हमारा भी कान वाना देरा तो बहुत ज्यादा सुन नहीं पा रहा। बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का पक्ष जानेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। देखिए, हरियाणा पंजाब बांटने की राजनीति तो सत्ताधारी दल कर रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, लगातार विपक्ष पर ही कोड़े बरसाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, विपक्ष ऐसा कर रहा है। भाई साहब, वादा तो आपने किया था एमएसपी का, तभी तो किसान वापस गए थे। और लगातार पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को रोकने का काम सरकार ने किया है, विपक्ष थोड़ी ना सरकार में है। और दूसरी बात, मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि जो नोटबंदी 2016 में मोदी जी ने की थी, आज वो नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की कर दी है। क्योंकि लगातार काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, और सफेद धन तो यही करे जा रहे थे। आज इनसे सवाल पूछा जाएगा, और ईडी से मैं पूछना चाहती हूँ, ईडी कब जाएगी अब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ? क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी ही कर रहा है। इनका कहना है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है वो बीजेपी को मिला, और इस नाते ये कह रही कि कांग्रेस की कहती अब तो ईडी को जो है बीजेपी के पास जाना चाहिए। जी, मैं एक मिनट, वोट भी तो बीजेपी को ही ज्यादा मिल रहा है, तो जो जीतेगा वही तो चंदा लेगा। अरे कहिए, जनता भी बीजेपी के पास जा रहा है। और रही बात, ये तो बता दो, किसने किसने दिया? 5200 करोड़ ले गए, और किसी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके लेने के बदले कुछ दे भी रहे होंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले कुछ आपको मिलता है। हाँ, तो बहरहाल ये सब छोड़िए, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए, आपने क्या मार्केटिंग करी, क्या परचेज करी? हाँ, इसमें ये तो चलता ही रहेगा, देश चल रहा है अपनी तरह से, रफ्तार से चल रहा है। क्या नाम है आपका? पलक। पलक जी, हाँ, तो क्या लिया आज आपने? हमने थोड़ी शॉपिंग की है, लाइक ब्लेजर्स वगैरह लिए। हाँ, 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 तो थोड़ा सा उसमें तो सेल में आ गया होगा, तो ठंड कम रही है। हाँ, यहाँ पे ये बैंकॉक मार्ट है, वहाँ से। अच्छा, बैंकॉक मार्ट है? यस, वहाँ से लिया आपने। हाँ, तो कितना मिला रहा आपको सेल में, कितने का? 3600। फेयर है ना, बदल ठीक है। अब तो वैसे ठंड ज्यादा बची नहीं। हाँ, अब बची नहीं है, तो अगले साल काम आएगा? नहीं नहीं, वो सर्दियों वाले नहीं है, वो नॉर्मल लाइक फॉर्मल ब्लेजर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने उस वाला लिया, बहुत ही बढ़िया किया। और उसके बाद आप कुछ खाने ही आएंगी, इससे सीधे चली जाएंगी घर? नहीं, अभी मैं खाऊंगी। बिल्कुल खाइए। डिबेट का सिरा कहीं और था, मैं किसी सिरे को कहीं और लेके चला गया जानबूझ के। जानबूझ के इसीलिए कि भटकाना मेरा मकसद नहीं है, मकसद यह था कि गंभीरता के साथ बहस हो रही है, और इस बात पे बहस हो रही है कि किसानों के साथ अन्याय है। जी जनाब अली। प्रतीक जी, 10 वर्ष कांग्रेस मोदी जी कोसती रही, परंतु मोदी जी की जो योजना है, 10 वर्ष में पता नहीं चला कब 10 वर्ष चले गए, मेरे समाज को इकट्ठा कर दिया। आप नींद सोए, पर जैसे उठे पता चला 10 साल गए। पता नहीं चला उनके प्यार ने, दुलार ने, योजनाओं ने, सारा प्यार आप ही को मिलना था। मेरे समाज को इकट्ठा कर दिया, कांग्रेस ने हमें अलग कर दिया था। ये सक्का है, ये तेली है, ये नाई है, ये भड़बूजा है। आज मोदी जी ने पसमंदा कहकर इकट्ठा कर दिया, मेरे मुसलमानों की ताकत बढ़ गई। ताकत बड़ी, इसलिए ऐसी योजना दी उन्होंने, घर बैठे बैठे अनाज मिल रहा है, घर घर बैठे सम्मान निधि मिल रही है, घर घर बैठे शौचालय मिले, घर घर बैठे उज्ज्वला गैस योजना मिली, और सुकन्या योजना मिली, मेरी बहन बेटी पढ़ने का एक मौका मिल गया है। एमएसएमई के माध्यम से मेरे छोटे लोग, बहुत गरीब लोग हैं, रोडी पटेल आने वाले आदमी को भी ऐसी ऐसी योजना दी है कि 10% जो गरीब था वो ऊपर आ गया आज। जी, कौन सा भगवा चश्मा पहन रखा है इनको? युवाओं की बेरोजगारी नहीं दिख रही है लगातार इस देश में? भगवा लग रहा है इसमें, तो कुछ और लग रहा है। जिसने देश को टुकड़े कर दिए, हिंदू मुस्लिमों का मरवा दिया, करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे रहने, संघर्ष कहीं नहीं हुआ, कांग्रेस ने किया है। आपातकाल लगा दिया, सिखों को मरवा दिया, और कश्मीर में पंडित को मरवा दिया, ये वो कांग्रेस है? कश्मीर से मुझे याद है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, खबर बता नहीं पाता पूरी। कश्मीर से खबर और आई कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कह दिया है कि वो अब अलग चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी चुनाव अलग लड़ेंगे। वो तो खबर थोड़ा दिमाग में आ जाती है, तो मैं बोलता जाता हूँ, कांग्रेस ने बोल लिया बीजेपी को एक चांस, एंड देन पहले आम आदमी पार्टी को देते हैं, उसके बाद आपको। जी, आम आदमी पार्टी। जी, शुक्रिया जी, बताएं। अरे बोलिए, 4-5 खबरों का मैंने पिटारा खोल दिया। भाई साहब की बात सुनी, उनकी भी सुनी, वो ये उन्होंने ये भी कहा है। एक बात हमें जोड़ देता हूँ मैं, आप जहाँ बोलना चाहें, उन्होंने ये भी कहा कि आप कौन होते हैं कि एक सीट हमको देंगे, कांग्रेस ने कहा आप कौन होते हैं एक सीट हमको देंगे। बात नहीं उनकी, बात हाँ, जिनका आपका जहां मन करे जो मन करे वो बोलिए, आपका कोई इच्छा नहीं। यहाँ पर युवा साथी खड़े, इनसे पूछ लो क्या रोजगार मिला भाई आपको? सब काम धंधा बर्बाद है, रोजगार कुछ नहीं है, बस झूठी बातें हैं, जुमला और हवाबाजी है, सिर्फ परपंच चल रहा है। किसान जो है वो देश के अन्नदाता है, उनके साथ आप बैठो, जो आपने वादा करा था उसको पूरा करो,
ना कि उन पे आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, लाठी चलाई जा रही है। अरे वो पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, हमारे देश के लोग हैं, आप मिलो ना। मोदी जी इतने बड़े नहीं है, मोदी जी को बनाने वाली जनता है। कितनी छोटी बात है, आप एक बार बुलाओ मोदी जी, बैठने में क्या डर है उनको? अरे बैठना है अपने देश के लोगों, बैठ जाओ। आप प्रधानमंत्री हो, देश के राजा हो, अपनी प्रजा के साथ नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा? जी जनाब प्रभात जी, वाह समस्या है सर। क्या समस्या? कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बुक, अभी आपको पता होगा वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है। हाँ वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, किताबों का मेला चला। एक मिनट आराम से, जैसे कूल डाउन। उसमें क्या हुआ कि उसके एड पे प्रधानमंत्री की फोटो लगी थी, तो ये सारे भाई साहब बोलने लग गए कि देश में और कोई मंत्री नहीं है क्या? अब कृषि मंत्री बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अरे स्टैंड तो क्लियर कीजिए महाराज। आज बिल्कुल सही बात है, किसान हमारे हैं, अपने हैं, गोले नहीं चलने चाहिए थे। जब पंजाब में आपकी सरकार ने लाठी चार्ज करवाया, रेल सबको जेल में डाला, तब याद नहीं आई आपको? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 की बात है। गन्ने का मूल्य मांग रहे थे। अजी जो अभी हो रहा है, जो खाई खोदी जा रही है, अभी का पूछो क्या क्या? ठीक है, बड़ा किसी सुनो, सुनो प्रभात, अभी का बताओ। अब पिछला ना याद दिलाया करो, पिछला पिछला जब तुम याद दिलाते हो ना तो बड़ा दर्द होने लगता है फिर मुझे। अभी अभी की याद दिलाओ, नया नया कुछ हो वही बात बोलाओ, नया नया प्यार है वही दिखाओ, पुराना तुम दिखाने लगते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। जी जस्ट ए मिनट, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन। जी जी देखिए, दुनिया में बज रहा है मोदी जी के नाम का डंका और इंडी में है शंका ही शंका। आप आपकी पार्टी से इन कांग्रेस पूछ रहे कि तुम आप हैं कौन, वहां भाग गए। आप जहां भी देखिए सारे प्रदेशों में, अभी फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया, खंड खंड बिखरता हुआ ईडी गठबंधन, और ये लोग मोदी जी के सामने खड़ा होना चाहते हैं। आपका सवाल था कि 24 में कौन आएगा, 24 में वही आएगा जो 24 घंटे काम करता है, जो भारत माता का पुजारी है, जिसने रेड पर अमिट इबारत लिख दी, जिसने सूर्य से आंखें मिलाने के लिए देश को कहा, जिसने चांद पर आदित्य मिशन लॉन्च किया, जिसके लिए गांव गरीब किसान नौजवान युवा हर कोई ताली बजा रहा है, जिसके दिल में है मोदी का चेहरा, उसी का जीत पे सिर का सेहरा। जिसके ऊपर है, जिसके दिल में है, जिसके दिल में है नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसी के जीत पे है, उसी के जी जी कांग्रेस। मैं आया छन मिश्रा, समुद्र तट पर मोदी जी लाल कालीन बिछाकर बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि कभी कभार आप जाएं, अगली बार फोन लेकर जाइए और यूट्यूब पर अपने पुराने वीडियो जाकर देखें, वो उनको मुझे लगता है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं अपने पिछले 2014 से लेकर 2024 तक, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं। बहन वो अभी संन्यास नहीं लेंगे, मैं आप जो कुछ कहो, आप कहो या न कहो, पर मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी तजुर्बा है। पाजी हंस रहे हैं, मेरा अपना भी तजुर्बा है, मैंने भी देखी है राजनीति। मोदी जी अभी संन्यास नहीं लेंगे, और जो सोच रहे हैं कि चुनाव से भाग रहे हैं जी, हम चुनाव से भाग रहे हैं। अन्ना जी आपका शो देखते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, राले गांव में मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाह रही हूं, आइए सर बैठिए, आप मैदान में बैठिए, आप बहुत हमारे समय में आंदोलन कर रहे थे, आज सिविल सोसाइटी कहा क्या कर रही है, आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, लोकतंत्र का गला घोट रही है बीजेपी, आज कहां है सिविल सोसाइटी, कहां है अन्ना, मैं पूछ रही हूं जी, कहां है अन्ना? अब देखिए कोई, मैं कहता हूं नई बात करिए तो पुरानी बात, एकदम पुरानी बात छेड़ देता। मैं तो कहा कि अन्ना जी को याद आ रही है, अन्ना जी की याद आ रही है लोगों को कि कहां है अन्ना, ये तो बताएंगे कहां है अन्ना जी। जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा हाँ। उसके घर ईडी जाएगा। अरे मैंने पूछा अन्ना जी कहां है, अपने घर पे। ये राजनीति है, लोग कह रहे हैं कि संन्यास, अरे संन्यास कैसे? बोले हमने कहा अन्ना जी कहां है, बोले अन्ना जी अपने घर पर है जी। हाँ भैया नाम बताइए। विकास कुमार नाम है। विकास जी कहाँ से आना हुआ? बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ से? रोहतास से जी। आगे आ जाइए, बोलिए। उन्होंने बोला अन्ना जी कहाँ है, अन्ना जी अभी जो है दूसरे केजरीवाल ढूंढने गए हैं, फ्री का बिजली बिल वगैरह वो भी दूसरे राज्यों में थे, उन्हीं को ढूंढने में। अच्छा तो भाई ठीक है, आप ये टिप्पणी करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा ये टिप्पणी, मुझे थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ जी। इधर से कहाँ से लोग आए जी, आप कहाँ से आई, आपका कहाँ से आना हुआ? आगे आइए, कहाँ से आना हुआ? यूपी से ही है। यूपी में कहाँ से? रायबरेली से। अरे लीजिए, मैंने तो आज अपनी खबर ही रायबरेली से शुरू करी, बिल्कुल रायबरेली का क्या कहना, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, वही रूट है जी। तो यहाँ पे काम करती है? हाँ जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? शिवांशी सिंह। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, रायबरेली का आदमी चुपचाप रहे, बैसवारे का मैंने मान ही नहीं सकता कि कैसे चुपचाप है वो जी। इधर कोई हाथ उठा रहा था,
हाँ जी बोलो सर, क्या नाम है? विशाल गुप्ता। हाँ गुप्ता जी बताइए। पहले डेवलपमेंट नहीं थी मेरे घर के सामने, सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज है, रात में लाइट भी आती है, पहले वो भी नहीं थी, आज सोलर लाइट है और किसानों को फ्री में राशन मिलते हैं, पहले वो भी नहीं थी, पहले हम मतलब सोचना पड़ता था घर जाने के लिए। हाँ। आज नहीं सोचना पड़ता, बताओ कहाँ डेवलपमेंट है? अरे बताओ कहाँ डेवलपमेंट है। एक बात और बताओ गुप्ता जी, क्या काम करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग में है जी। मैम बोलिए। मेरा मुद्दा आज का है कि आज इतने सालों, 400-500 सालों बाद जब राम जी आए, राम जी का कोई जिक्र ही नहीं है, राम जी के लिए मंदिर बने। नहीं नहीं बिल्कुल बराबर शो हुआ, मैं अयोध्या तक चला गया और नहीं आप कहना चाहें कहिए, बिल्कुल आपका आपका जब मन हो राम जी का नाम लीजिए, जब इच्छा हो राम जी का नाम लीजिए। अरे देखो मतलब ये कहा था, इनसे कहा था, तुम तो सीधे। तो मेरा ये कहना है कि आज के जो प्रेजेंट राम है वो हमारे मोदी जी हैं। प्रेजेंट के जो राम हैं वो हमारे मोदी जी हैं। हाँ। जो कहते हैं ना कि ये भगवान कौन होते हैं, मावा के रूप में देखते हैं। हाँ। तो हम अपने राम को मोदी जी के रूप में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में, और ये लोग जितने भी जो भी विपक्ष दल है या जो भी पक्ष है। हाँ। वो मोदी जी अब जब भगवान ही वो राम हो गए तो कहाँ विपक्ष है बताइए हमें, वो तो ढूंढे नहीं दिखाई देगा आप हमें। पूरे विश्व में बिहार, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, यूपी में रहते हैं। हाँ। और मेरा पेशा, मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ बहुत बहुत स्वागत है। अब आप जब जर्नलिस्ट हैं और भगवान भी देख लिया है हमने तो फिर बाकी तो कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए। जी बताइए। मैं पानियर से। जर्नलिस्ट के भी आत्मा होते हैं। बिल्कुल होता है भैया, वो आत्मा बिल्कुल 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 होता है आत्मा। ये बस हम लोग मीडिया नहीं बोलना चाहिए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बोलना ना, बिल्कुल आत्मा होती है, आंख भी होती है, और आत्मा मार के कोई काम नहीं करना चाहिए। जी बोलिए। रुको जरूर आ रहा हूँ। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं पायनियर से रह चुकी हूँ। नहीं नहीं आप अपना सवाल रखिए, और अगर आप देखिए मैं एक बात बताऊँ आपसे, अगर आपको भगवान दिखता है और आपको मोदी जी में भगवान दिख रहे हैं तो कोई माइका लाल कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको दिख रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, ना भी होती तो भी क्या हुआ, आपको दिख रहे हैं जी। आम जनता हूँ, आम देश की नागरिक होने के कारण मैं ये बोल रही हूँ कि पूरे विश्व में अगर मोदी जी इसी तरह काम करते रहे। हाँ। और यहाँ तक हमारे बिहार में जो मुजफ्फरपुर जिला है। हाँ। वहाँ मेन सीता जी की जन्मभूमि है, वहीं पे काम होना है। और मिथिला में जो जनकपुर जनक जी थे। सवाल पूछिए बताइए फटाफट जल्दी। हाँ, करना क्या है उनको बताइए। बिहार में उपलब्धियां करें, बिहार को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल सही, वो सीता जी का भी मंदिर वहाँ बनना चाहिए। जी बोलिए क्या तकलीफ है, अगर मोदी जी भगवान दिख रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? देखिए सबसे पहले तो एक तो पत्रकार हैं, दूसरी बात तो क्या पत्रकार की आत्मा नहीं होती? पत्रकार की आत्मा तो है, तो भगवान राम को हटा देंगे इसका मतलब उधर ही बढ़ रहा है ना देश। नहीं नहीं राम को हटा करके मोदी को बैठा नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बीजेपी का केवल पाखंड है, राम को मानते नहीं। देखो 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 तुमने गलत डायरेक्शन में बनाया। इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि भगवान को राम को हटा के मोदी जी को बैठाएंगे। हाँ जी नहीं नहीं केजरीवाल पे भी थोड़ी देर में रुकना। वेरी गुड वेरी क्विक। जब मोदी जी भगवान हो गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जिस तरीके से स्थापित किया, हमारे लिए राम आराध्य हैं, लेकिन इनके लिए इष्टदेव राम नहीं है। इनके कौन है? इनके नाम नाथूराम है बीजेपी वालों के लिए। देखिए समझ का अभाव और संस्कृत। आ रहा बेटा मैं आ रहा। आम आदमी को, अरे भाई आम आदमी से इतना ज्यादा काहे परेशानी है भाई किसी को? गुप्ता जी सारे लोग आप ही को जवाब देना चाहते हैं। वे आ रहा हूँ जी। हमारे साथी को सनातनी संस्कृति की समझ नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो कहा कि मैं कौन हूँ, तो कहा तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, हम में तुम में सब में राम समाया है, करो सुमिरन राम का जगत में कोई नहीं पराया है। बहन के कहने का तात्पर्य क्या था कि ईश्वर का अंश किसी में जागृत हो गया, वही बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, राम हो गया, कृष्ण हो गया, परमहंस हो गया, चैतन्य हो गया, ब्रह्म हो गया। हमारी कांग्रेस की बहन कह रही थी कि कब संन्यास्त होंगे, अरे वो संन्यास्त है, संन्यास ले लिया उन्होंने, भारत माता को ऊपर सिर पर ले जाने की आस में, संन्यास में, योगी तपस्वी मौन साधक राधक की तरह नरेंद्र मोदी देश को विकास के पथ पर अग्रसर किए जा रहे हैं। जी ऑफकोर्स मैं पहले आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साक्षी वाजपेयी। साक्षी वाजपेयी, साक्षी क्या क्या काम करती हैं आप या पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं काम करती हूँ और मैं ज़ारा में कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर। अरे अभी आज ही मैं गया था
उधर ही घूम के ही आ रहा हूँ इधर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका पहले शो में आने के लिए। रहने वाली कहाँ की हैं आप? हम कानपुर के रहने वाले। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा शहर है कानपुर। पाजी हंसने लगे मेरी बात पे। जी बोलिए। अब आपकी दो तीन सवालों का जवाब है। सबसे पहले किसी ने बेरोजगार की बात की थी, तो आंख खोल के देखो, रोजगार बहुत है, बस ढूंढने की जरूरत है। रही बात मोदी की तो अभी आज मोदी आया, कल योगी भी आएगा, तब देखते तुम्हारी रोजगार और बेरोजगारी कितनी बढ़। अरे 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 नहीं नहीं, जवाब तो तुमने दे दिया भरपूर। तुम अंदर आओ, अंदर 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 अंदर। हमें चाहिए अखंड भारत, और जब भारत अखंड होगा तो योगी हो या मोदी, हमें सारे यही में चाहिए। और आने वाले कई साल में तुम सब भारत का इतिहास देखोगे जो इतने पीछे छूट चुका है। आज राम आया है, कल मथुरा भी होगा, काशी भी होगा, सब कुछ होगा, सब पता चलेगा तुम्हें। देखते जाओ, ये देश का युवा ये जाग चुका है, इससे भिड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत। और तुम बस दिन भर वैलेंटाइन डे, दिन भर वैलेंटाइन डे। हाँ जाओ। अरे 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 हाँ बहन बहन, वैलेंटाइन डे नहीं, महाशिवरात्रि आ रही है। हर हर महादेव। मैं तो हर हर महादेव का पुजारी तो उतना नहीं हूँ। जय हो माँ पार्वती। कहाँ गई? जय हो माँ पार्वती। जी बिल्कुल, अब आपको तो वो निपटा, आपको तो निपटा चली गई वो। गजब है, युवाओं को नहीं उसने सबको निपटा दिया। कहाँ गई, कहाँ वो? कानपुर। मैंने कहा था मुझे एक ही शहर हिंदुस्तान में डर लगता है उससे, और उसका शहर का नाम है कानपुर। मैं उससे बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। जी आम आदमी पार्टी अब बोलना चाहते हैं। जी वेरी क्विक, मैं आया कानपुर से हूँ, कानपुर से हूँ, आप बताए। हाँ। ये जो बोल रहे हैं ना, मंदिर बहुत अच्छी बात है बनाना, हम भी हिंदू धर्म पे मानते हैं, राम भगवान सबके हमारे भी हैं, लेकिन काम की बात हो ना, विकास की बात क्यों नहीं? एजुकेशन की बात कब होगी? अस्पताल की बात कब होगी? स्कूलों की बात कब होगी? दिल्ली सरकार में आप जाओ, स्कूल बने, अस्पताल, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, उस पर बात नहीं हो रही? उस पर बात करो ना, आप बात करो। आया 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 जी। ये जो फ्री एड में आप बांट रहे हो, जो फ्री एड में बांट रहे हो, ये फ्री है, ये फ्री, ये फ्री, ये किसके पैसों से है? ये टैक्स पेयर है हम, जिनके पैसों से आप बांट रहे हो। कोई खजाना आपने नहीं रखा हुआ अपने पास? ये बकवास है। अरे भाई देखो, तो पैसा इन्होंने मैनेज किया ढंग से, आपको अच्छा। एक आपके इंडिया जो गठबंधन है, केजरीवाल ने एक बयान दिया, मोदी को हराना है तो जितने भ्रष्ट नेता हैं, जिनके खिलाफ वो बोलते थे, जिनकी वजह से वो आए, उन्होंने पता क्या बोला, इनको हराने के लिए हमें इनका साथ देना पड़ेगा, बीजेपी का, वो इंडिया गठबंधन का। व्हाट इज दैट? जी जी भैया, कहाँ के? कानपुर। यही से भैया, कानपुर बोलो। ये भैया बोल रहे थे ना अभी। कौन भैया? वो वाले भैया, आम आदमी पार्टी वाले भैया। हाँ वो वाले बोल रहे थे अभी कुछ। हाँ। बोल, मेरे को बुला रहे थे, ऐसे से करके बुला रहे थे। हाँ। अरे बोलो जल्दी, सवाल बोलो। जी वो जितनी बात कर रहे हैं ना। हाँ। उनको ये पूछना है, बेरोजगारी पे जितनी बात करते हैं, अगर उनको फिगर्स चाहिए, फिगर्स मैं पूरी दे सकता हूँ आज। क्या काम करते हैं साहब आप? क्या काम करते हैं? जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर दिया? कितने दिन हो गए? एक साल हो गए। साल भर कैसा रिटर्न है? अच्छा रिटर्न है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आया बहुत जल्दी आया। जी हाँ जी, क्या नाम है? नाम रजनी से, मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के है, थोड़ा प्रतिक्रिया मैं उनको देना चाहता हूँ। सर ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, दिखते बिल्कुल नहीं आम आदमी की तरह। आप देख लो सर, सूट बूट में आए हैं, पहला चीज। दूसरा इनकी ऐसी पॉलिसी है, हर घर में शराब की मोल खोल रहे हैं, हर घर में। आप दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, एक शराब का। क्या तुमसे कहते हैं कि शराब पियो? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। शराब की ठेका खोल रखे हैं हर गलियों में, जहाँ पे झुग्गी होगी है वहाँ पर तो जो और ज्यादा व्यवस्था है। दूसरी चीज, आधा मंत्रिमंडल इनके कारागार में है, आधा मंत्री में सीएम की बारी। जी बोलो जी, नजर निगाह मेरी हर तरफ रहती है, तुम सोचते हो कि मैं कहीं खो गया? ना 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 पाजी, मुझे मालूम था मुझे कब कहाँ। आज आपको गाना गाना है? क्या नाम है आपको? मैं आया आपके पास, बिल्कुल आया। नाम क्या है आपका? मेरा राकेश लोहिया। राकेश लोहिया जी, अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी प्रयागराज से। और भाई साहब आपका? शैलेन दीक्षित जी। कहाँ का काम करते हैं आप? रियल एस्टेट। वो तो लग ही रहा था रियल एस्टेट का। हाथ पूरे मोदी जी की
हाँ जी मोदी जी की, हाँ जो कुछ है सब मोदी जी की देन है। इतना कितने किलो पहने? इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। इससे पहले तो नंगे भूखे थे ये, और जब अभी आए तो कम रुक गए, चुपचाप वरना भगा दूंगा। मुझे जिससे बात करनी होती मैं उसी से बात करता हूँ। तो कितने तोले पहन लिए? तोला थोड़ी गिनती थोड़ी, आधा पौना किलो, आधा किलो है और क्या, आधा किलो है। 10 साल में आधा किलो, अगले 5 साल में ये क्या कितने किलो पहनेंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही। बातचीत के सिलसिले में मैंने 2-4-5 पॉइंट रखे, आपने देखे होंगे, मैं वहीं से शुरू करना चाहें। आप तो पहले आती नहीं है शो से। जी जी प्रतीक जी, थोड़ा आने में देरी हुई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम 2000, यहाँ तो कुछ लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप तो आ गई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी वो उसके, अगर आप कोशिश करें, कोशिश सच्ची है और आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी बिल्कुल पहुँच जाएंगे। बिल्कुल लाजवाब कर दिया आपने, बिल्कुल। कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारी यात्राएं करते हैं, न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाते। मुझे लगता है उन लोगों ने जो बहुत सारी यात्राएं करते हैं और कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते, उन लोगों को जो अन्याय उन्होंने अब तक भारत के साथ किया है, वो न्याय शायद उनको देना चाहिए, लेकिन वो भारत के लोगों को अभी भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। इस देश को, युवा को, आपने पत्रकार की बात की, आपने वो लोग जो शॉपिंग करते हैं, आम लोग आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। भारत के हर शख्स के अंदर वो भावना नजर आई जो कुछ सेक्युलरवादी पार्टियों ने एक षड्यंत्र के तहत भारत की मानसिकता को नष्ट किया था। आज वो मानसिकता मोदी जी ने जागृत की है और उसको फिर से सुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जी मैं आया, आहा ऐसा ना करते, आहा कर रहे जी। कहते कहते ये यात्राओं को भी इन्होंने कोसना शुरू कर दिया। आडवाणी साहब ने भी यात्रा निकाली थी, कम से कम अपने इतिहास को भी झांक कर देख लीजिए। यात्राओं को छोटा नहीं करना चाहिए, यात्राओं को छोटा समझना भी नहीं चाहिए, हाँ। और ये भूल भी नहीं करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर इतने 4000 किलोमीटर अगर वो यात्रा, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तो एसी रूम में बैठे हैं, लाल कालीन बिछा कर बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे किसानों की? किसान आप ही के देश के हैं, आप ही के देश के हिस्से हैं। वो भी हम लगातार सवाल पूछते रहे, मणिपुर क्यों नहीं गए देश के प्रधानमंत्री? मणिपुर पर भी हम सवाल पूछते रहेंगे, हम लगातार ये भी सवाल पूछते रहेंगे, पीएम केयर फंड कहाँ, कैसा पैसा? अरे देखिए, ये आडवाणी जी से राहुल गांधी जी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो देखिए कांग्रेस का स्तर है। वो राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा करने निकलते हैं, अपने ही कार्यकर्ता को कुत्ते का सूंघा हुआ बिस्कुट। अरे हौल मिला कुवत, अरे बाप रे बाप, हौल मिला कुवत, कहाँ से आना हुआ जी? नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं सेक्टर 53 से। अरे मतलब अगर कानपुर से तो कहिए कानपुर से है, एमपी से हूं। अच्छा एमपी से है, तो जबरदस्ती कहे कहें कानपुर से है। हाँ जी एमपी में कहाँ से? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ बहुत अच्छा जगह है भाई, आप तो कभी जाते ही नहीं। आप तो कभी जाते ही नहीं। अब हम भी अपनी एक यात्रा निकालेंगे टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ छतरपुरा छोड़ देते हैं। नहीं बच्चे, हाँ ये बात सच है कि मेरे पास कभी नहीं जाते। मैं आपका शो रोज देखती हूँ, चाहे 2 बजे रात में भी देखूं, अगर टाइम ना देख पाऊँ तो। देखिए यही है सच्चा, ढूंढे नहीं मिलेगा ये आपको ईमानदारी से, चाहे रात 2 बजे देखना पड़े, लेकिन मैं देखता हूँ। और ये बात सच है आपकी कि मैं टीकमगढ़ छूट गया मुझसे, छतरपुर छूट जाता है मुझसे, वो इलाका बिल्कुल मुझे नहीं आया चुनाव। देखिए इनको सब पता है मेरा हिसाब किताब, ये रखती है मेरा। जी जी मैं बिल्कुल आया, एक मिनट को जी। हाँ हाँ जी, आपकी बहुत बड़ी, और आप नहीं है क्या? बिल्कुल है। हाँ तो बस आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से। मेरठ से पास में, तो क्या चल रहा है आंदोलन का वहाँ पे? आंदोलन वहाँ कुछ नहीं है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है। अरे आप क्या जाने किसान के बारे में? मैं भी किसान का लड़का हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मैंने भी जैना आलू और गेहूँ, आलू लगा रखे, गेहूँ बो रखे हैं, जो नौकरी भी करते हैं। और एक बहन ने भी अन्ना के बारे में बात की थी, अन्ना के आंदोलन का जो प्रोडक्ट मिला था वो तो इनके साथ है, अन्ना क्या जरूरत है इनको, वो तो इनके साथ है। अच्छा मैं आया, मैं कुछ बोले? अच्छा ठीक है, तुम ना बोलो जी। हाँ जी जनाबे आली, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी मैं अपनी दो बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए, स्वागत है आपका। मेरी बहन ने और एक भाई ने बोला तो बेरोजगारी है नहीं क्षेत्र। हाँ बोले कहा बेरोजगारी नहीं है, काम करना चाहेंगे उनके लिए बेरोजगारी नहीं है, काम करने के लिए ढूंढना पड़ेगा काम जी। मगर केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, मैं उसको फ्री की रेवड़ी नहीं मानता, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए गरीबों का उनका हक मिल रहा है, ठीक है। मगर मैं किसी डिबेट में
हेल्थ और शिक्षा पे कभी बहस करते हुए नहीं देखता किसी भी बीजेपी प्रवक्ता को। क्या शिक्षा और हेल्थ कोई मुद्दा ही नहीं है देश का? बिल्कुल है, सबसे बड़ा मुद्दा है भैया, सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा मिलेगी तो लोग पढ़ लिख के अपने आप ही कर लेंगे ना, उनको गेहूं की जरूरत नहीं है। 5 किलो गेहूं जो सरकार दे रही है वो चाहिए ही नहीं उनको। आप नौकरी दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, ठीक है ना। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए ही नहीं। हमारे स्कूल, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको अच्छा बना दीजिए। आपकी सरकार 2 क्षेत्र में है, पंजाब में और दिल्ली में, दोनों के स्कूल और हॉस्पिटल के दिखा दें। बीजेपी की जहां सरकार है वहां के हॉस्पिटल और स्कूल इसी के आपके चैनल पे दिखा दें कि हमारे स्कूल ऐसे हैं गवर्नमेंट के, और दिल्ली सरकार के और पंजाब के देख लें। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात। भैया क्या नाम? मेरा नाम राकेश लोहिया। राकेश भैया जी का, जी बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, देखो रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा हमें ही दे रहे हैं, हक का पैसा दे रहे हैं। भैया भैया आप केजरीवाल जी के फैन हैं ये मैं बहुत पहले समझ गया था, मैं जानता था। जान देखो चुपचाप चुपचाप खड़ा, और ये कोई बात नहीं हुई कि तुम अगर वो केजरीवाल जी के हैं और तुम मोदी जी के हो तो जवाब देना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जी बताइए बाबू जी कहाँ से? अरे डरने की जरूरत नहीं भाई, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जी ना ना ना, ना जी दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं सब, क्या काम करते हैं साहब? मैं पहले ड्राइवरी करता था, अभी पीछे होटल खोला मैंने, रेडी टाइप का, रेडी टाइप का। हाँ। तो वो भी जो है मेरा छीन लिया एक नेता ने। नेता ने छीन लिया? अच्छा मैं बात करता हूँ, कौन दो दो साल से बिल्कुल, अब घर मकान भी बेच दिया मैंने। तो अरे तो कहाँ जाए, यात्रा भी निकलेंगे क्या? नहीं। और वो क्या करेंगे काम? वो कन्ने रेडी लगाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं रेडी बात करता हूँ। जी भैया, फ्री की दारू और ईडी का जवाब आज तक नहीं मिला है, और फ्री की दारू खूब बढ़ गई है। केजरीवाल आएंगे नहीं आएंगे लेकिन जवाब तो देना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें पब्लिक भी उनको पहचानती है, जवाब कब देंगे कैसे देंगे। कम से कम बार सामान आ चुका है। हाँ कोर्ट के थ्रू ही दे दे। शर्मिष्ठा जी, सब बात कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, ये 5 किलो अनाज है क्या? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? जो एमएसपी पे जो सरकार खरीदती है वो राशन उसका क्या करेगी सरकार? सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है इस देश में, तो वो अगर जनता में बांटा जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, सभी लोग जो किसानों की बात, देखो 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 मेरी बात सुनो। लोहिया साहब, लोहिया साहब सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा था, जो अन्य व्यापार जो अन्य जो था वो जो खराब हो रहा था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी थी कि क्यों नहीं बांट दिया जाता? तो सुन लेगा, सुनो सुनो आपकी बात सुनो। हाँ जी, और जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ पूरे विपक्ष से कि देश का जो 65% जो जनता है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, उनके लिए सच में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो ये मौके पे चौका मारने वाली बात है आज जो हो रही है, विपक्ष कम से कम ये ना करे, किसी भी तरह की अराजकता को कम से कम वो समर्थन ना करे। किसानों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। पंजाब में खास तौर पर वहाँ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, 77% जो वहाँ का जो जमीन है वो वहाँ का वाटर लेवल सेफ जोन के नीचे जा चुका है। बिल्कुल, ये बात पंजाब में भी है और ये बात हरियाणा में भी लागू होती है। जी देखिए, 5 किलो अनाज जो ये बांटने की बात कर रहे हैं वो किसान ही उगाता है, मोदी जी को शायद समझ नहीं आ रही है, इसलिए आज उन्हीं के देश के किसान उनसे खुश नहीं है। और दूसरी बात ये कह रही है कि विपक्ष, कैसे कह दिया आपने, किसान किसान खुश कैसे हैं आप बताइए? हाँ। किसान किस तरीके से बॉर्डर पे आना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, और वादा खिलाफी किसने की? वादा खिलाफी तो देश के प्रधानमंत्री ने की। टीवी स्क्रीन पर आकर किसने माफी मांगी थी? किसने कहा था कि तपस्या में कोई कमी रह गई? आज कैसे भूल गए? तभी हम कह रहे हैं अगर वो नैतिक व्यक्ति है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अगर वो आज किसानों के साथ धोखा देश के प्रधानमंत्री ने किया, 5 किलो राशन कैसे बांटेंगे आप, ये सवाल पूछते हैं आज। जी बताइए। देखिए प्रतीक जी, मैं तो इस किसान आंदोलन पे ही कहना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन से ज्यादा ये एंटी इंडिया आंदोलन बनता जा रहा है, सिख आंदोलन के रूप में ये जो भारत विरोधी ताकतें, क्यों मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ, आप बताइए कि किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या चीजें नहीं हुई? विदेश में जो भारत विरोधी ताकतें उनको साथ में लेकर भारत में जो अराजकता फैलवाने की कोशिश विपक्ष ने की, वो विपक्ष जिसके पास जनता से लेकर कोई भी मुद्दा नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है, कितनी यात्राएं कर ले इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की जनता को चाहिए क्या? मैं मेरी भी टिप्पणी होनी चाहिए इस पर, बिल्कुल होनी चाहिए मेरी भी। एक छोटी सी टिप्पणी मेरी भी यह है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ बातचीत की जानी चाहिए और उनके मुद्दे सुने जाने चाहिए, और बहुत तत्कालिक तौर से कोई ना कोई राहत या कोई ना कोई पैकेज दिया जाना चाहिए, और बहुत किसानों को साहस, बिल्कुल बिल्कुल संवेदना के साथ, बिल्कुल संवेदना के साथ बातचीत। 1.5 वर्ष से चुपचाप बैठे थे, जहां चुनाव आ गया वो उतर आए, कहते हैं हमारा मुद्दा चुनावी नहीं है। मैं अंबर सर्दी में जब मालूम है वो किसान जो हमारे गांव में है,
जो मेरे गांव का किसान है वो मुझे मालूम है वो कैसा किसान है, मुझे ये भी मालूम है कि पंजाब का जो किसान है वो कैसा किसान है, मुझे ये भी मालूम है कि वो किसान कहां बैठा हुआ है, ये भी मुझे मालूम है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए बड़ी संवेदना के साथ बातचीत सरकार को करनी चाहिए। जी जी हाँ जी बोलिए। अभी मेरी बहन कह रही थी किसानों के बारे में, 70 वर्षों में कितनी घंटे लाइट आती थी, ये सब किसान के बच्चे खड़े हुए हैं, बता दें 70 वर्षों में कितनी लाइट आती थी और कितने पोल थे, कितने ट्रांसफार्मर थे, और जब ट्रांसफार्मर खत्म होता था तो 10 दिन में आता था। आज किसान के हाथ 70 वर्ष वो कर दी, आज 12 घंटे लाइट आती है और ट्रांसफार्मर 1 घंटे में। देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपने दिया तो कोई एहसान नहीं किया, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो कंट्रीब्यूट है, ये किसान विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है। जब बात ना मिले तो कह दो सीधे सीधे मुसलमान। नहीं नहीं ये बात अच्छी नहीं लगी हमें, देखिए आपकी ये तथ्य है, कांग्रेस मुसलमान विरोधी है। एक मुसलमान महिला 1985 में सुप्रीम कोर्ट गई थी चंद रुपए का गुजारा भत्ता करने के लिए, तत्कालीन सरकार ने उस वृद्ध महिला के फैसले का विरोध किया था सिर्फ चंद मुसलमानों के प्रेशर में आके। क्या कहेंगे आप मुसलमान विरोधी नहीं? मैं एक बात, मुसलमानों की स्थिति क्या बनाई, अमर दादी बनाकर बच्चों से, मासूम बच्चों से दरी बुलवाने का काम, उनको शिक्षा देने के बजाय उनको अपने पीछे खड़ा करके वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस आज मुसलमान हितैषी बनती है। अमर दादी देखो, अमर दादी कितनी बढ़िया बहस चल रही थी, कितनी अच्छी बहस चल रही थी, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। देखो गुप्ता जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान, मुसलमानों की जो स्थिति है जिस पार्टी ने बनाई उसके लिए हम सवाल ना करें, हम इस देश की तुम भी वही हो, उसी लाइन में हो। रेहड़ी पटरी लगाने पर मजबूर कर दिया, पेंशन लगाने मजबूर कर दिया कांग्रेस ने, आज मोदी जी कम से योजना देते रहे, हमारा साथ दे रहे, और हमारे कंधे बांध रखा हुआ है। इनके हिसाब से तो सूर्य उदय ही 2014 के बाद हुआ है, इससे पहले तो ये सारे लोग जो है मैं कहती हूँ पत्ते पहन के घूमते थे। आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मजेदार बात करी, बोले 2014 के बाद ही सूर्योदय हुआ, उससे पहले तो पत्ते लगा के घूमते थे हम सारे लोग। देखिए आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाने के लिए, सूर्य के सिर्फ उजालने निकलने से उजाला नहीं होता, आंखें भी खोलनी पड़ती है। आंख खोल के भारत ने देखा और दुनिया को दुनिया आज भारत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज भारत का सूर्योदय हुआ है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की यात्रा पर कह रहे थे, आज 15 फरवरी है प्रतीक जी, दुनिया में जितने कवि हुए, चाहे कबीर हुए, तुलसी हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, विलियम वॉर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दही ले जाए। लेकिन एक ऐसे भी बाबा हुए जो यात्रा कर करके दुकान दे रहे लगाए, जो प्रेम की दुकान भी लगा रहे और बेच भी रहे, ऐसा जो देश को बेचे, समाज को बेचे, सबको बेचे। राहुल गांधी कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है, उन्होंने नोटबंदी को लेकर पहले कहा, उन्होंने कोविड को कहा, उन्होंने लॉकडाउन को कहा, जीएसटी को लेकर लगातार कहाँ चले गए? अरे यहाँ जो खड़े थे कहाँ गए? क्या नाम है? आदित्य नाम है मेरा। तो चमको अभी अभी रुको, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। विदेश में 2 यात्रा हुई, एक मोदी जी ने कल कहा कि चंद्रयान किसने पहुंचाया, भारत ने कहा कि आदित्य अलवर किसने सफल किया भारत ने, एक तब कहते हैं संविधान कहाँ खत्म हो गया भारत में, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र कहाँ खत्म हो गया भारत में, और मोदी जी कहते हैं मंगल ग्रह पे कौन पहुंचा भारत। ये सोच है आप भारत का कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। जी 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 आम आदमी पार्टी। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये डिबेट है ना, गलत दिशा पर जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कर लो तुम, आप हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, काम की बात ही नहीं कर रहे।